सनराइज़र्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो आईपीएल का मैच होने वाला है, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप पूरी फैंटेसी रिसर्च कर सकते हो और इस एप्लीकेशन पे हम ये फैंटेसी रिसर्च करने भी वाले हैं। इस मैच की आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो आपको ड्रीम इलेवन पे जीतने के लिए ज़रूरी होता है। आपको एक अपर हैंड भी मिलेगा यहाँ पे, जिससे आप अपने ओपोनेंट से कई कदम आगे रहोगे और यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे इजीली विनिंग कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस एनालिसिस को स्टार्ट करते। पहले तो ये जो मैच होने वाला है, ये होने वाला है यहाँ पे डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम मुंबई पे। तो यहाँ का जो पिच होता है वो होता है यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली। आमतौर पे आप अगर देखोगे तो एवरेज स्कोर 156 से 166 के बीच में आपको बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे बैटर्स को थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट भी आपको दिखाई देगा। बैलेंस पिच आप यहाँ पे मान के चलो, लेकिन यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुई है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यहाँ पे चेजिंग टीम थोड़ी सी एडवांटेज में होती है। आप देख सकते हो लास्ट 5 मैचेस में से जो एक मैच है वो यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 4 मैचेस यहाँ पे चेजिंग टीम जीती है। तो आप चेजिंग टीम को यहाँ पे थोड़ा सा फेवर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप बैटर्स और बॉलर्स को लगभग इक्वल सपोर्ट आपको दिखाई देगा। अगर हम इस पिच पे लास्ट 5 मैचेस देखें तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा स्कोर। राजस्थान यहाँ पे 193 उन्होंने बनाया था और यहाँ पे MI उसे चेंज नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे बनाया था राजस्थान रॉयल्स ने। और वहीं पे यहाँ पे KKR और RCB के बीच में एक मैच हुआ था, वो काफ़ी लो स्कोरिंग हुआ था। यहाँ पे जो KKR की टीम थी वो 128 पे ही यहाँ पे ऑल आउट हो गई थी और RCB को चेज करते करते अपने 7 विकेट्स यहाँ पे गंवाने पड़े थे। और यहाँ पे लगभग 19.2 ओवर्स के दरमियान उन्होंने उस मैच को ख़त्म किया था। और उससे पहले एक मैच हुआ था RCB वर्सेस PBKS के बीच में। यहाँ पे जो PBKS है उन्होंने इस मैच में 208 रन बनाए थे और यहाँ पे नहीं एक मिनट RCB ने यहाँ पे 205 रन बनाए थे और यहाँ पे पंजाब ने उसे चेज डाउन कर लिया था। तो ये यहाँ पे सीन होता है। आप यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देख सकते हो अगर यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स नहीं होता है तो, नहीं तो आपको लो स्कोरिंग मैचेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे प्लेयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। उसके लिए आपको आना होगा पावर रैंकिंग पे। देखिए यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस के बेसिस पे आपको प्लेयर्स का पूरा रिकॉर्ड और वहाँ पे रैंक किया हुआ आपको मिल जाता है। तो इस मैच में टॉप जो प्लेयर्स है वो रैंक किए हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो कौन कौन है वो प्लेयर? एडन मार्करम, निकोलस पुरन, जेसन होल्डर, KL राहुल, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, एफ फारूकी, काइले मेयर्स, एंड्रू टाय, अभिषेक शर्मा और टी नटराजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे और इन डिटेल जानना चाहते हो इन प्लेयर्स के बारे में तो आपको उनके ऊपर टैप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ये प्लेयर टीम में रह चुका है। कौन? एडन मार्करम। और यहाँ पे जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो 68 फैंटेसी पॉइंट्स से आपको एवरेज देखे जाते। अगर सेकंड इनिंग में यहाँ पे बैटिंग करते हैं तो 39 फैंटेसी पॉइंट्स से आपको एवरेज देखे जाते। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म यहाँ पे कर रखा है। तो जब भी ये चलते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। अगर बाय फॉर्मेट में हम चले तो आपको यहाँ पे इनका पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे जाएगा। हम T20 का इनका रिकॉर्ड देखेंगे। 2022 में इन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला है जो कि इससे पहले का मैच था। वहाँ पे उन्होंने 57 रन बनाए थे 139 के स्ट्राइक रेट से, जो कि काफ़ी अच्छा था। 2021 में इन्होंने यहाँ पे 25 के एवरेज के साथ यहाँ पे टोटल 739 रन यहाँ पे बनाए। यहाँ पे भी इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों ये। और अगर ये टिक गए ना तो एक तरफा यहाँ पे ये मैच को लेके जा सकते हैं, एक तरफ से एंकर करते कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस कर सकते हो। अब हम चीट शीट पे चलते हैं। यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे आपको टॉप 5 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर हम फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर देखें इस मैच में तो यहाँ पे आपको कौन कौन दिखाई देगा। हम यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस का देख लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल, यानी आपको थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, दीपक हुड्डा, उमरान मलिक और इविन लुइस, ये 5 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर हम यहाँ पे टीम वाइज देखें तो SRH की तरफ से अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, उमरान मलिक, अब्दुल समद और प्रियम गर्ग, ये 5 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और यहाँ पे LSG की तरफ से दीपक हुड्डा, इविन लुइस, आयुष बदोनी, क्विंटन डिकॉक और आवेश खान, 5 प्लेयर आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो जो जो प्लेयर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उन्हें यहाँ पे लॉक करते चलो, इससे आपको ग्रैंड लीग की टीम्स बनाने में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो हम यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे लॉक करते चलते। तो चलिए एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे आपके सामने कुछ प्लेयर्स निकल के आ रहे, तो हम इन्हें यहाँ पे लॉक कर लेते। इसमें एडन मार्करम आते, दीपक हुड्डा आते, उसके बाद यहाँ पे एंड्रू टाय आते। तो यहाँ पे दीपक हुड्डा का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। टी नटराजन, अगर यहाँ पे इनकी डेथ में बॉलिंग आती तो आप इन्हें भी लॉक कर सकते हो अपने टीम में। तो चलो हमने यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को लॉक भी कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने परफेक्ट लाइनअप पे तो आपको यहाँ पे जनरेट टीम में आ जाना है। जनरेट टीम में हम जैसे ही आते तो आपको यहाँ पे
कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये कस्टमाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये साइन क्रॉस का, तो यहाँ पे आप प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर सकते हो। ये जो आपको ताला दिखाई दे रहा है इससे आप प्लेयर्स को लॉक कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं जो आपको लगता है खेलने वाले नहीं या फिर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हमने ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखा है और कुछ प्लेयर्स को हमने यहाँ पे लॉक भी करके रखा है। तो लॉक किस किस को किया है, यहाँ पे केन विलियमसन को किया हुआ है, क्विंटन डिकॉक को किया हुआ है, हम केएल राहुल को भी यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जो इंपॉर्टेंट है, हमने उनको लॉक कर लिया है। तो ग्रैंड लीग में आपके कॉम्बिनेशन में यही प्लेयर्स आएंगे जिनको आपने लॉक किया है, जो प्लेयर्स आपने एक्सक्लूड कर रखे वो आपकी टीम में यहाँ पे नहीं आएंगे। हम यहाँ पे मैक्सिमम 11 टीम्स क्रिएट कर लेते हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा तो हमने यहाँ पे 11 टीम्स क्रिएट कर ली है। तो चलो हम जनरेट टीम्स पे क्लिक करते तो ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशंस आपके सामने आ जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो, आप किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर इन कॉम्बिनेशंस के साथ जा सकते हो। तो देखिए आप देख सकते हो, मैं आपको वन बाय वन कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इनका। तो चलो ये हमारी कुछ टीम्स, देखिए ये जो टीम्स है ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको जो लाइनअप्स आउट होने के बाद होती है ना वही आपको मिलेगी। आपका कस्टमाइजेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे टीम कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप कस्टमाइजेशन ठीक से नहीं करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी टीम्स बन के आ जाएंगी का यहाँ पे मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ये कस्टमाइजेशन के ऊपर आपका पूरा डिपेंड होता है। अब हम चलते स्मॉल लीग की टीम की तरफ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखना आपकी जो स्मॉल लीग की टीम है, तीन मेंबर चार मेंबर में आप लगा सकते हो आराम से। तो देखिए यहाँ पे हमारे टीम में क्विंटन डिकॉक रहेंगे, केएल राहुल रहेंगे, एक तो दोनों के दोनों यहाँ पे ओपन करेंगे और काफ़ी अच्छे फॉर्म से दोनों के दोनों आ रहे हैं। निकोलस पुरन, इनका फॉर्म बिल्कुल ख़राब चल रहा है, आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। यहाँ पे देखिए मनीष पांडे काफ़ी कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, एक तरफ से एंकर कर सकते तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन। राहुल त्रिपाठी काफ़ी अटैकिंग है और यहाँ पे बैटिंग पिच है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। दीपक हुड्डा, इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है और यहाँ पे बॉलिंग से भी कुछ बैकअप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे दीपक हुड्डा पे रिस्क ले रहे यहाँ पे आप मनीष पांडे और राहुल त्रिपाठी में से किसी एक को भी ले सकते हो। इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा नीचे है। इविन लुइस हमारे टीम में रहेंगे, काफ़ी अच्छे हिटर है, ये भी मस्ट पिक होंगे। और केन विलियमसन को मैं रिस्क लेके ले रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंसिस्टेंट बैट्समैन है एक तो, और यहाँ पे आपको कभी भी अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं। आयुष बलोनी को आप ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लेना। यहाँ पे एडन मार्करम को हम अपनी टीम में रहेंगे और यहाँ पे नीचे आप अभिषेक शर्मा को ले सकते हो, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे पिछले मैच में तो ग्रैंडलिंग में अच्छे ऑप्शन होंगे। रोमारियो शेपर्ड भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे, कुछ ओवर से बॉलिंग भी करके जा सकते हैं, रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर हम बॉलिंग सेक्शन देखें यहाँ पे तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे टी नटराजन, आवेश खान, उसके बाद यहाँ पे एंड्रयू टाई हो गई, ये भी काफ़ी वेरिएशन से इनके पास अच्छे खासे विकेट से कभी भी निकाल के जा सकते। भुवनेश्वर कुमार अब डेथ में भी बॉलिंग करा रहे तो हम उन्हें भी अपने टीम में यहाँ पे रख लेते हैं। और दुश्मनता चमेरा आपके टीम में यहाँ पे होंगे। तो ये हमारी पूरी टीम बन के सामने आ गई है, हम इसे सेव कर लेते हैं। देखिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का हम थोड़ा सा प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैप्टनसी के लिए फिर भी एक अच्छा ऑप्शन अगर हम देखें तो केएल राहुल से बेहतर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे वाइस कैप्टनसी हम क्विंटन डिकॉक के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे सेव टीम कर लेते हैं। आप इसे ड्रीम इलेवन सिम्युलेटर में भी लगा सकते हो, लेकिन इस सिम्युलेटर का जो ऑप्शन है वो मैच के 6-7 घंटे पहले आपको दिखाई देगा, तो मैच को थोड़ा सा ज़्यादा समय बाकी है तो अभी आपको वो नहीं दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्लेयर्स को कंपेयर कर लेते हैं। हमें अगर कैप्टनसी चूज़ करनी है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे दो ऐसे प्लेयर्स को कंपेयर करेंगे जो आपको कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट पिक लग रहे हैं। तो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल को हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे केएल राहुल कहाँ पे है, तो चलो यहाँ पे केएल राहुल जैसे हमें दिखाई दे जाते हैं हम उन्हें कंपेयर कर लेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ। तो यहाँ पे चलो हम यहाँ पे एडन मार्करम के साथ कंपेयर करके देखते, आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कंपेयर कैसे किया जाता है। केएल राहुल फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो चलिए हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते। देखिए यहाँ पे आप स्ट्राइक रेट के बेसिस पे अगर कंपेयर करना चाहो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक तो क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम में जो रैंक है, ये जो पावर रैंक है ना, ये लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिसाइड होती है। तो एडन मार्करम की रैंक अच्छी है तो आप इन्हें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। क्विंटन डिकॉक की रैंक यहाँ पर 11 है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50s के मामले में जो एडन मार्करम है वो यहाँ पे आगे चले जाते हैं। स्ट्राइक रेट के मामले में भी वही आगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इकोनॉमी देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेते हैं, अगर एक दो ओवर से करा के गए तो आपको कुछ विकेट्स भी निकाल के चांसेस रहेगी इनके। अगर हम फैंटेसी पॉइंट्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी मार्करम आपको आगे दिखाई देंगे। तो देखिए
ओवरऑल अगर हम देखें तो एडन मार्करम एक अच्छे पिक आपको क्विंटन डिकॉक के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक का एक एडवांटेज है कि आपको एक कुछ विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देखे जा सकते हैं, तो एक बैकअप रहता है। और यहाँ पे एडन मार्करम के पास भी एक बैकअप है, वो है बॉलिंग का। तो ये पूरा हमारा प्लेयर वाइज एनालिसिस हो गया, हमने प्लेयर्स को कंपेयर भी कर लिया है, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के भी जो चॉइसेस है वो हमारे यहाँ पे फाइनल हो चुके हैं। तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी दोस्तों, फाइनल टीम आपको मिलेगी परफेक्ट लाइनअप के एप्लीकेशन पे। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दे रखा है। फैंटेसी रिसर्च करने के लिए इससे बढ़िया जगह आपको कोई नहीं मिलेगी, तो आपके मोबाइल में होना ही चाहिए, तो आप इसे डाउनलोड करो और यहाँ पे लाइनअप्स आउट होने के बाद एक बार इसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुरा